चतुर खरगोश। किसी जंगल में एक दुष्ट शेर प्रतिदिन अनेक जंगली जानवरों को मारता रहता था। एक दिन सभी जानवरों ने शेर के साथ एक सभा की, जिसमें यह तय हुआ कि भोजन के रूप में शेर के पास प्रतिदिन एक जानवर को भेजा जाएगा। एक दिन चीकू खरगोश की बारी आने पर वह शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर द्वारा देरी का कारण पूछने पर उसने कुएं पर दूसरे ताकतवर शेर के मिलने का बहाना बनाया, जो स्वयं को जंगल का राजा कह रहा था। दूसरे शेर की बात सुन दुष्ट शेर क्रोधित हो गया। वह चीकू को उसके पास ले चलने के लिए बोला। चीकू ने कुएं के पास ले जाकर कहा कि यही उस ताकतवर शेर का ठिकाना है। कुएं में जाने पर अपनी ही परछाई को अन्य शेर समझ वह उसे ललकारने लगा और अपनी ही आवाज को दूसरे शेर की ललकार समझ वह उस कुएं में कूदकर मर गया। इस प्रकार चतुर खरगोश ने अपने साथ साथ सब जानवरों को बचा लिया। बच्चों, हमें मुश्किल में बिना घबराए बुद्धि से काम लेना चाहिए। चतुर खरगोश। किसी जंगल में एक दुष्ट शेर प्रतिदिन अनेक जंगली जानवरों को मारता रहता था। एक दिन सभी जानवरों ने शेर के साथ एक सभा की, जिसमें यह तय हुआ कि भोजन के रूप में शेर के पास प्रतिदिन एक जानवर को भेजा जाएगा। एक दिन चीकू खरगोश की बारी आने पर वह शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर द्वारा देरी का कारण पूछने पर उसने कुएं पर दूसरे ताकतवर शेर के मिलने का बहाना बनाया, जो स्वयं को जंगल का राजा कह रहा था। दूसरे शेर की बात सुन दुष्ट शेर क्रोधित हो गया। वह चीकू को उसके पास ले चलने के लिए बोला। चीकू ने कुएं के पास ले जाकर कहा कि यही उस ताकतवर शेर का ठिकाना है। कुएं में जाने पर अपनी ही परछाई को अन्य शेर समझ वह उसे ललकारने लगा और अपनी ही आवाज को दूसरे शेर की ललकार समझ वह उस कुएं में कूदकर मर गया। इस प्रकार चतुर खरगोश ने अपने साथ साथ सब जानवरों को बचा लिया। बच्चों, हमें मुश्किल में बिना घबराए बुद्धि से काम लेना चाहिए। चतुर खरगोश। किसी जंगल में एक दुष्ट शेर प्रतिदिन अनेक जंगली जानवरों को मारता रहता था। एक दिन सभी जानवरों ने शेर के साथ एक सभा की, जिसमें यह तय हुआ कि भोजन के रूप में शेर के पास प्रतिदिन एक जानवर को भेजा जाएगा। एक दिन चीकू खरगोश की बारी आने पर वह शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचा। शेर द्वारा देरी का कारण पूछने पर उसने कुएं पर दूसरे ताकतवर शेर के मिलने का बहाना बनाया, जो स्वयं को जंगल का राजा कह रहा था। दूसरे शेर की बात सुन दुष्ट शेर क्रोधित हो गया। वह चीकू को उसके पास ले चलने के लिए बोला। चीकू ने कुएं के पास ले जाकर कहा कि यही उस ताकतवर शेर का ठिकाना है। कुएं में जाने पर अपनी ही परछाई को अन्य शेर समझ वह उसे ललकारने लगा और अपनी ही आवाज को दूसरे शेर की ललकार समझ वह उस कुएं में कूदकर मर गया। इस प्रकार
चतुर खरगोश ने अपने साथ साथ सब जानवरों को बचा लिया। बच्चों, हमें मुश्किल में बिना घबराए बुद्धि से काम लेना चाहिए।